देखिए निरक्षीय स्थिति दी गई है यहाँ पे। निरक्षीय स्थिति में हमें केवल एक लाइन याद करनी है कि जो चुंबकीय अक्ष है उसकी लंबाई धक पर क्या होता है, कोई बिंदु होता है जिस पर हमें किसकी गणना करनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। तो भाषा हमारी क्षेत्र से ही बनेगी, वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, चुंबक के, चुंबक ये दी गई है, चुंबक के अक्ष के, अक्ष ये दिया गया है, चुंबक के अक्ष के कैसा होता है, लंबा धक पर होता है, माने जो चुंबक का अक्ष होता है उसके ऊपर कैसा होता है, लंब के रूप में होता है। तो उसे हम चुंबक के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबा धक पर स्थित होता है, यानी लंबा धक के रूप में होता है या लंब के रूप में होता है। तो उसे हम चुंबक के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब भाषा आप चित्र की लिखेंगे, माना एस एन या एन एस एक क्या है, दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में, भाषा पिछले की बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें अक्षीय स्थिति कह रहे थे और इसमें अक्षीय की जगह के शब्द का उपयोग कर रहे हैं, हम निरक्षीय का उपयोग कर रहे हैं। तो माना एन एस एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु ओ से, यहाँ से हम चलेंगे स्मॉल डी दूरी पर, माने पी से लेके ओ तक के बीच की दूरी कितनी दी गई है, डी। स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ये तो आपकी चित्र की भाषा हो जाती है। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है, जो आपका ओ पी का जो मान होता है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और जो आपका एस से लेके पी तक का मान होगा ये भी कितना मान होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, समान दूरी पर हैं। ये मान निकालते कैसे हैं, मान को थोड़ा देख लें, यहाँ पे आप देखें समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है पी ओ एन या एन ओ पी, यहाँ पे हम मान एक का निकाल के बताएंगे, त्रिभुज ओ एन ओ पी में कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, कर्ण क्या दिया गया आपका यहाँ पे, पी एन दिया गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पी एन का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओ पी हो जाएगा, ओ से लेके पी तक की दूरी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओ पी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार क्या हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओ एन स्क्वायर। पी एन का तो हमें मान निकालना है, दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी एन का पी एन स्क्वायर हो जाएगा बराबर ओ पी, ओ से लेके पी तक के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपकी, स्मॉल डी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर प्लस ओ एन, ओ एन का मान कितना दिया गया आपका, स्मॉल एल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्मॉल एल का स्क्वायर। अब पी एन के ऊपर से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, पी एन बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ एन या फिर एन ओ पी में कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे पी एन का यानी कर्ण का क्या प्राप्त हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। यही बिल्कुल प्रोसेस आप दूसरी वाली समकोण त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज आपका हो जाएगा एस ओ पी, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें भी आपका मान एस, यहाँ पे भी आपका किसका मान, एस पी का मान क्या निकल आएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्योंकि समान दूरी है दोनों में, तो मान भी कैसा निकल आएगा आपका, समान। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका पी एन या एस पी होता है इसका मान कितना होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ये किससे निकल आया आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हमें एक सूत्र की आवश्यकता और पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, तो वो आपका लगेगा सूत्र कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आप लगाएंगे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल, और कर्ण क्या हो जाएगा,
अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ये सूत्र भी हमारा आगे काम आएगा, तो इसको भी आपको सीखना है। कौन थीटा बराबर क्या दिया गया है, आधार बटे टैन, और आधार क्या दिया गया आपका एल। इस वाले त्रिभुज के लिए भी एल निकलेगा, इस वाले त्रिभुज के लिए भी एल निकलेगा, और कर्ण जितना आपका किसका निकला है, पी एन का कर्ण निकला है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, वही कर्ण किसका आएगा आपका एस पी का भी आएगा। तो दो जगह आपका ये सूत्र लगेगा, भाषा आप देख चुके हैं। अब हमें करना है इसका व्यंजक देखना है। तो सबसे पहले हम किस ध्रुव के कारण देखते हैं, उत्तरी ध्रुव के कारण। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी वन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू स्मॉल एम बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी उत्तरी ध्रुव एन से लेकर क्या हो जाएगी आपकी पी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एन पी का स्क्वायर। अब हमें मान किसका दिया गया है, साइड में लिखेंगे एन पी का मान क्या दिया गया था आपका, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन पी का मान क्या दिया गया, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बी वन बराबर म्यू जीरो का म्यू जीरो बटे फोर पाई का फोर पाई इंटू स्मॉल एम का स्मॉल एम। एन पी स्क्वायर की जगह आप स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर एक। इसके बाद हमें दूसरा ध्रुव देखना है, कौन सा ध्रुव दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव दिया गया। दक्षिणी ध्रुव के कहाँ देखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, बी टू बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू स्मॉल एम। अब दूरी का वर्ग यानी एस से लेकर के पी तक की दूरी हो जाएगी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एस पी स्क्वायर। एस पी का साइड में मान लिखेंगे, एस पी का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और फिर से ये क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बी टू बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या, एक तो पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आप लगाएंगे तो हमें दोनों त्रिभुजों में किसका मान प्राप्त हो जाएगा, कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। एक कर्ण का जो मान होगा वही दूसरे कर्ण का मान है, क्योंकि त्रिभुज दोनों समान दूरी पर दिए गए हैं। इसके बाद हमें इसमें देखना क्या है, परिणामी तीव्रता देखनी है। तो परिणामी तीव्रता को देखने के लिए थोड़ा पहले समझ लें, जितना आपका एस पी है, एस से लेके पी तक का जितना मान है, उतना ही आपका क्या दिया गया है, एन पी दिया गया है। तो जितना मान आपका बी वन का होगा उतना ही मान किसका होगा, बी टू का, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो जहाँ पे हमारा बी वन होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी टू लिख सकते हैं, या जहाँ पे हमारा बी टू हो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी वन लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे दिए गए हैं, समान दिए गए हैं या बराबर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, इसी कारण यहाँ पर हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप देखें कोण के लिए ध्यान करें, इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हम किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं। परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या लिखेंगे, B, अब दोनों को हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, B बराबर B1 cos थीटा। ये cos थीटा कहाँ से आया आपका, कोण जो बन रहा था उस कोण के लिए घटक का उपयोग किया गया है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, B2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखें B1 बराबर क्या था आपका, B2 था, तो हम B2 की जगह किसको लिख देंगे, B1 को लिख देंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, B1 cos थीटा प्लस B2 की जगह क्या लिख देंगे, B1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा। अब B1 cos थीटा, B1 cos थीटा कितने हो जाएंगे, 2B1 cos थीटा हो जाएंगे। तो B बराबर क्या निकल आएगा, 2B1 cos थीटा ये निकल आया। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, मान हम यहाँ से भी रख सकते हैं और यहाँ से भी रख सकते हैं। यहाँ से आप रखेंगे तो वो थोड़ा लंबा दिखेगा, यहाँ से आप मान रखेंगे b बराबर दो के दो हो जाएंगे, b1 का यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, मान रख दिया जाएगा, b1 का मान क्या दिया गया आपका, म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू स्मॉल m बटे डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये किसका मान दिया गया है, b1 का, और साथ में क्या लिखना है हमें यहाँ पे, cos थीटा। cos थीटा का मान हमने लिखा था चित्र के बगल में, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आधार क्या दिया गया था आपका, l, और कर्ण क्या दिया गया था, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इतना आ गया।
इसके बाद देखें ऊपर तो आपका एक सीधा बन गया है एम गुणे टू एल, ये हो जाएगा। यहाँ से आप बनाएंगे इसका बी बराबर सूत्र बनाएंगे म्यू जीरो बटे फोर पाई, म्यू जीरो बटे फोर पाई को अलग से लिख लिया, इस दो का गुणा किसके साथ कर देंगे एल के साथ, और आगे क्या रहेगा एम, तो क्या हो जाएगा एम गुणे टू एल, ये एम गुणे टू एल हो गया, एम गुणे क्या हो गया ये आपका टू एल, बटे में क्या दिया गया है डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और गुणा में क्या हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। यहाँ से आप अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बी बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कैपिटल एम लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एम, इसकी जगह आप लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते। अब जब अंडर रूट में से इस स्क्वायर को बाहर निकाला जाएगा तो इसकी घात में कितना हो जाएगा तीन बटे दो, ये बाहर निकल आएगा डेढ़ निकलेगा बाहर, तो डेढ़ को आप लिखेंगे दो एकम दो और एक ऊपर जुड़ जाएगा तो तीन बटे दो हो जाएगा। अब यहाँ तक आपका आ गया, तो एक तो उत्तर आपका यही है जैसा हमने पिछले देखा था, इकाई हमारी क्या रहेगी न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। इसके बाद हम क्या लिखते हैं यदि जो चुंबक हमारा दिया गया है यदि चुंबक कैसा हो छोटा हो, तो L कैसा होता है छोटा होता है किससे होता है D से होता है, और जो चीज़ छोटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं अगले स्टेप में छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा B बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू कैपिटल M, L कैसा है छोटा है माने इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो D स्क्वायर की घाते कितना बचेगा आपका तीन बटे दो, दो से दो कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा B बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू एम बटे डी क्यू, डी की घाते तीन, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति।